हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी, आरआरबी, आरआरसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 17/9/2018 को पूछे गए सवाल हैं। आरआरबी बोर्ड जयपुर का ये पेपर है, लेवल फर्स्ट पोस्ट। और ये जब निकला था तो नोटिफिकेशन तो 2/2018 को देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, 1 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, उसमें मेरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी लोड करते जाऊँगा। और आप लोग क्या है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आप लोगों का सिलेक्शन 100% तय है। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या से कथन आवश्यक या पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है, सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है पहले 10 डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई का भार 10 किलोग्राम है। इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि टोटल 20 डब्बा है और आपको 10 डब्बे के बारे में कहा गया है, फिर एक तिहाई का भार 10 केजी है, मतलब 1/3 × 10 केजी। इसको भी काटेंगे तो लगभग आपका 3.33 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, भार के बारे में बताया गया है, सही है। दूसरा कह रहा है, दूसरा के ऑप्शन में क्या है, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम अधिक है। तो 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, 6 में से 2 4 घटाएंगे तो 2 डिब्बे, और 2 डिब्बे का बराबर दिया है 40 केजी। तो 40 केजी अगर हम एक एक काटेंगे तो ये आ जाता है 1 यूनिट बराबर 20 आपका आ जा रहा है। इसका मतलब 20 डिब्बे के बारे में बताया गया है। तो कथन आपका क्या है, चौथा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑलवेज। कह रहा है हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऑलवेज अनुपात में बराबर होते हैं। तो हम हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान, इसको हम काटेंगे 2 × 2 और 2 × 8 = 16। तो रेशियो क्या होता है, 1:8। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किस में परिवर्तन होता रहता है, चाल में परिवर्तन होता रहता है, भार में नहीं होता, आकृति में नहीं होता है और द्रव्यमान में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो यह है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में से समूह के प्रत्येक का बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो इसमें कौन सा कोष पूर्ण होता है वो बताना है। तो 18वां कोष पूर्ण होता है, 18वां आपका दिया है ये। तो ये देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेडान, रेडान और ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसमें क्या है, ये सभी आपके इसके बाहरी कक्षाओं में 18 पूरे पूरे, या तो 8 मिलेंगे या तो 32 मिलेंगे, बाहरी कक्षा में पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। ये ना किसी को देता है ना किसी से लेता है, तो ये इसीलिए इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 से 18वें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी बताइए। इसका मतलब यहाँ चाल दे रखा है, चाल बराबर दे रखा कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है, समय बराबर दिया है। अब पहले हम 15 को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज गए तो 18/5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा चेंज हो गया। अब इसको 3 घंटा 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 3 सही 20/60 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 1 10, कितना, 10/3। अब हमको दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय, दूरी बराबर चाल गुड़े गुड़े समय होता है, चाल गुड़े समय होता है, तो यहाँ लिखेंगे 18/5 × 15 × 10/3। अब काट देंगे, 5 तिहाई 15, 3 अक्कम 3, यहाँ से 18 में 10 का गुणा कर लेंगे तो 180 आ जाएगा, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज, कह रहा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, तो भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, देखें इसको सॉल्व करके पहले हम क्या करेंगे, ये आप बार लगा है इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये आपको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम बार को हटा देंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 9 + 6 - 5 और - 7 हो जाएगा। अब ये 7 5 12 - 9 6 15, अब ये आपका आ गया टोटल, हल करने पर इस ब्रेकेट को पूरा हल करने पर आ जाएगा कितना, 15 में से 12 निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। अब ब्रेकेट हट जाएगा, ये माइनस आपका दिया है 12 + 15, और मझला ब्रेकेट अब लग जाएगा क्योंकि अब छोटा ब्रेकेट खत्म हो गया है, 1/3 / 56। अब इसी इतने को सॉल्व करेंगे, 56 / 1/3, अब इसको देखिए 15 27 27 में से 3 गए 24, अब यहाँ से 27 हो जाएगा, 27 में से 3 निकालेंगे 24 हुए, 3 से भाग दे देंगे 3 8 24, अब 56 / 8 आ जाएगा, अब 8 से भाग देंगे 8 7 56, ये हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 7 आ गया। पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो ये निभाए थे रणवीर सिंह ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, a - b³ b - c³ c - a³ / 3a - b b - c, c - a, इसको सॉल्व करना है, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्या मान लेंगे, a - b = मान लेते हैं, a क्या मान लेंगे, a - b = मान लेंगे a, और कैपिटल ए मान लीजिए या यक्स मान लेते हैं, और b - c = मान लेंगे y, और c - a मानेंगे z, तो यहाँ हम रख देंगे कितना, a x³ + y³ और + z³,
बटे हो जाएगा यहाँ पर 3xyz, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू दिया है इसका मान होता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, ये होता है। तो हम यहाँ रख देंगे 3xyz ये होता, और नीचे भी 3xyz आपका दिया है, कट के आपका 1 आ जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से मान के हल करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन आपका कितना है, 8, तो ये हो जाएगा 20 का क्यूब अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, तो ये आपका क्यूब का फार्मूला। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह में से संबंधित ना हो। तो यहाँ देखेंगे ये सब क्या है, साइंटिस्ट हैं और ये आपके क्रिकेट का खिलाड़ी है विराट कोहली, तो इसका मतलब ये आपका भिन्न चुनना था, तो भिन्न विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की क्षमता वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलाम का चार्ज ले जाने वाले कार्य की मात्रा बताइए। यहाँ से देखेंगे इसका फार्मूला होता है, फार्मूले पे रख देंगे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा, देखिए सॉल्व करने का तरीका सीधे सीधे फार्मूले पर है। W बराबर होता है, Q बराबर दिया है, Q बराबर 4C दिया गया है, और V बराबर विभवांतर आपका दिया 18 वोल्ट दिया है, मान रख देंगे। तो यहाँ से आपका कार्य बराबर होता है Q इंटू वी, तो Q क्या है, आवेश है, और V विभवांतर है। तो यहाँ Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 और गुणे 18, तो 18 चौक 72, 72 जूल से कार्य जूल से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ यहाँ से देखें, यहाँ पर होता है देखिए sec² θ, sec² 4 θ माइनस sec² θ बराबर 3 दिया गया है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या, sec² θ माइनस tan² θ बराबर होता है 1, तो हम लिख सकते हैं sec² θ बराबर 1 प्लस tan² θ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से देखें, यहाँ से 2 भाग में तोड़ सकते हैं, sec² θ इंटू sec² θ और माइनस sec² θ, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, sec² θ कामन लेंगे, sec² θ कामन ले लेंगे तो बचेगा sec² θ और -1 बचेगा। अब sec² θ बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan² θ, तो 1 प्लस tan² θ ये हो गया, और यहां से अब हो जाएगा बराबर 3 हो रहा है, sec² θ बराबर 1 प्लस tan² θ, यहां से कैसे हो गया 1 प्लस tan² θ, यहां से मिस्टेक हो गया है, इसको क्या करेंगे, यहाँ sec² θ 1 प्लस tan² θ, tan² θ और ये भी इंटू 1 प्लस tan² θ, हम इस तरह से इसको लिखेंगे, और यहाँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan² θ, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से ये सीधे हो जाएगा
इसको सीधे गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 10 स्क्वायर 4 थीटा, फिर 10 का करेंगे 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू इसका गुणा किया, एक का गुणा किया एक में हुआ, फिर एक का गुणा कहाँ गलती हो रहा, मिसिंग हो रहा, ये इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर अब इसका गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां से माइनस का देखिए, यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब देखें यहां से 1 से 1 कट गया, यहां से 1 से 1 से कट गया, और 1 10 स्क्वायर थीटा, 1 10 स्क्वायर थीटा ये कट गया। अब यहां से बचा क्या, बचा क्या 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर 4 थीटा। 4 थीटा बराबर, यहाँ इसके बराबर कुल टोटल 3 3 ही था, सामने क्या था 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ था, ये क्यों पहले से आपका दिया ऑलरेडी, तो ये 3 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 10 4 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं, तो यह अभिकेंद्र बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्न में से किसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाइक नाल को जाना जाता है, किसको जाता है, कोडाइक नाल को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, कोडाइक नाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहां से ये आपका चित्र दिया गया है, यहां से दिया है डी की वैल्यू, यहां पर दे रखा है 60, कितना दिया है 60 दे रखा है, तो यहां पर 60 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो देखिए यहां पर आपका वृत्त पे भी इसकी वैल्यू और यहां से, तो दोनों समान ही है, तो यहां से हम कह सकते हैं कोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी, ए ए ओ सी बराबर हम कह सकते हैं बी ओ डी, बी ओ डी ए ओ सी, ए ओ ये ए ओ सी, यहां से देखिए ए ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं बी ओ डी के, इस तरह से हम मान सकते हैं, तो इस तरह से अगर मानेंगे तो ए बराबर आपका कोण ए बराबर कोण बी, कोण ओ बराबर कोण ओ, कोण सी बराबर कोण डी, इस तरह से हो जाएगा। तो हम गिवन दिया है डी बराबर 60, तो सो कह सकते हैं कि एक्स बराबर भी 60, तो यहां पर जो 60 मान दिया गया है तो ये भी आपका 60 ही होगा, क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो कह रहा है कि कथन ए और दोनों ही पर्याप्त है, क्योंकि एक का अगर 60 मान दिया है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो हमको इसके एक की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए अगर यहाँ 60 ना होता एक्स की वैल्यू निकालना तो गलत हो जाता, तो एक का मान दिया है दूसरे का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? तो यहाँ से देखें, ये आपका गोला दिया है, ये भी गोला दिया गया है, दोनों को हटा दिया गया है, ये बाहर रख दिया, यहाँ भी बाहर रख दिया, ऐसे इसको भी हटा के यहाँ रखेंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे करके। तो देख लें ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका ये सही है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन बी बटे कास ए माइनस कास बी, साइन ए प्लस कास बी बटे साइन ए माइनस साइन बी का मान बताइए। यहाँ भी देखेंगे इसका, देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसका जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। इधर भी उसी तरह से करेंगे तो प्लस लगेगा, तो कास स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर बी। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए हम बराबर क्या लिख सकते हैं, वन लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ भी साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो इसका भी मान वन होता है, इसका भी मान वन होता है, तो वन माइनस वन बराबर जीरो। अब ऊपर की वैल्यू में अगर हम जीरो किसी संख्या में रख देंगे और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा तो वो मान क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर का हमने सॉल्व किया तो जीरो आ गया, अब नीचे क्या आपस में गुणा हो जाता है, इसका गुणा कर लेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे कास स्क्वायर कास ए माइनस कास बी, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। तो नीचे कोई भी संख्या हो, ऊपर अगर जीरो है तो सब मान जीरो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दर्पण को यम और यन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से देखेंगे ये जो आपका दर्पण क्या हो जाए, ये जो कलर में है वो इधर आ जाएगा और जो सफेद में है वो इधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे, यहाँ देखिए ये भी आपका ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर से चला जाएगा, तो देखें ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? छात्र ए ने छात्र दो से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला कह रहा है छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिया है, बिल्कुल तैयार किया है, तभी ने एक छात्र ने इससे कहा दूसरे छात्र को कि हमको नोट्स दे दीजिए, इसका मतलब पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है छात्र ए उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ये गलत है, ये धारणा गलत है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर चार पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर चार पे केवल एक अंतर्निहित है, मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन वार्म ब्लूडेड क्या होता है? तो पीगन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का जोड़ा उष्ण रक्त वाला है? तो पीजन है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारसू पा, पा, पर पोई पार पोई शेष कोई जानवर है उसको पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पार पोई शेष, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? तो यहां से देखेंगे ये आ गया, इसके मतलब इधर ऊपर था ये नीचे हो गया और ये इधर था तो ये इधर की तरफ घूम जाएगा, तो इधर की तरफ कौन है देखें, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा ए सही है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर पहला सही, अमोनियम क्लोराइड, पीएच
सेवन से कम होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की थी? तो स्मृति ईरानी ने शुरू किया था। पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की थी? तो स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़िए। कह रहा, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई जो गाय है वो बिल्ली, गाय बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली और गाय दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर कह रहा है, सभी बिल्लियों की पूंछ है, सभी बिल्लियों की पूंछ है, मतलब इसके पूंछ है, मूछ, मूछे हैं, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा, पहला निष्कर्ष, कुछ गायें बिल्लियां हैं, तो कुछ गायें बिल्लियां हैं नहीं, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा, कुछ गायों की पूंछ है, गाय की पूंछ नहीं है क्योंकि बिल्ली के हैं, तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत है। तो आपका क्या रहा है? दूसरा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा? तो यहां से देखिएगा, ये ऐसे चक्र में घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो यहां से देखिए, ये इधर आ गया, फिर ये नीचे आ गया, अब ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। तो त्रिभुज देखिए पहले कहाँ है, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ इसमें हो जाएगा। अब यहां से उसके नीचे देखिए, इसके इसके बाद में यहाँ आ गया, और ये धन वाला नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धन वाला नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ, और ये इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और ओके ओके, वीडियो आप इसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10 H2O होता है। तो कह रहा है, वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो ये जो आपका अणु दिया है, ये 10, टोटल कितने होते हैं, 10 होता है, तो यही पूछ रहा है कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वाशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 10 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखेंगे, निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु ए और बिंदु दो के रूप में दो धारणाएं दी गई हैं, कथन और निष्कर्ष धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में अंतर्निहित है। पहला कह रहा है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। कह रहा है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। तो पहला, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के साथ कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप का उपयोग करना चाहिए, ये ऐसे कोई बात नहीं है, ये गलत है। दूसरा उदाहरण कह रहा है, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाने, क्योंकि पेड़ पौधे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, धारणा एक और द दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है, पादपों पर लचीलापन किन किन के कारण होता है? कह रहा है, पादपों में लचीलापन किन किन के कारण होता है? तो यह होता है कोलन कायमा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी निष्कर्ष है, दिए गए प्रश्न कथनों के को सत्य मानिए मानिए, भले ही वे सामान्यतः
मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहला का कुछ धातुएं लोहा है, पहले कुछ धातु जो है कुछ धातु क्या है लोहा है, कुछ धातु लोहा हो गया, इसमें से थोड़ा से काट दिया तो ये लोहा हो गया। फिर आगे कह रहा है कुछ लोहा भारी है, अब इसमें से कुछ लोहा क्या है भारी है, लोहा भारी है। तो फिर क्या आगे कह रहा है सभी लोहा धातुएं हैं, सभी लोहा धातु है नहीं, फिर कह रहा है सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं नहीं, लोहा में से कुछ है। तो इससे मतलब दोनों अवधारणाएं गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट, पांच दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, चार को केक का क्रमांक इतना हिस्सा मिलता है, केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो मान लेते हैं कुल हिस्सा कितना था एक, अब उसमें से सबको एक एक क्या 1/8 मिला, प्लस 1/6 मिला, प्लस 5/12 मिला और प्लस 1/12 मिला। अब इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि एक में से जितना घटाएंगे उतना पांचवे का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा नीचे 24, एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 8 3 24 3, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर हो गया 6 चौक 24, 4 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ भी हो जाए ये प्लस प्लस में हो जाएगा और प्लस 12 दूना 24 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1, अब इसको पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19/24, 24 का इधर गुणा कर देंगे तो 24 में से 19 घटा देंगे और 24 करेंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 5/24 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, एक में से सभी संख्याओं को घटा दिए चौथे का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिखा है यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो स्वान को किन अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहां से देखिए PIPE जो दिया गया है, यहां देखिए पी को 16 से डिनोट किया गया है, ये 16 है, आई को 9 से डिनोट है और पी को 16 से, और ये 5। तो यहां से लिख लेंगे अक्षर का है नंबर दिया गया है, यस क्या होता है 19 होता है, डब्ल्यू को 23 को 23 हो जाएगा और A1 होगा, EN 14 होगा। तो लास्ट अक्षर पूछ रहा क्या है, लास्ट अक्षर कितना 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितना होगा। तो यहां से क्या करेंगे पहले दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए जो दूरी है उसको जोड़ेंगे कितना 5, 152.5 और 157.5, इसको जोड़िए 5 5 10 7 2 9 1 10, 5 2 9 10 11 और 3 दशमलव लगा देंगे, तो कुल दूरी कितना है 310। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ये आपका दूरी दिया है, ये क्या है ये दूरी है और समय दिया है, समय कितना दिया है 9.3 सेकेंड और हमको निकालना है चाल, तो चाल निकालेंगे कितना दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 310/9.3। अब यहां से हम क्या करेंगे चाल को मीटर पर सेकेंड में चलेंगे तो 18/5 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे अब इसको काटिएगा, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और इसको 31 से काटे 31 अक्कम 31, 31 तिया 93 और 3 6 18 60 हो गया, 5 2 10 और 6 2 12, मतलब 2 में 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर आपका
दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुस्तक के लिए किसे चुना गया था? तो मार्क टुली को चुना गया था। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुस्तक के लिए किसे चुना गया था? तो मार्क टुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये आयरन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा? अब इसमें ये देखना है, अभाज्य संख्याएं जो दोनों संख्याएं एक एक से कटे और किसी से ना, या तो खुद से कट जाए या किसी से एक से कटे, तो यहाँ से इस उसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरा, पहले पहले हम मान लेते हैं, इसमें इसको समझने का तरीका क्या है, अगर हम दोनों का डिफरेंस 2 यदि आ गया तो समझ लीजिए वही आंसर सही है। तो 72 में से 71 में से 73, 73 में से 72, मतलब अंतर निकालना है, अंतर निकालेंगे, 73 में से 71 निकालेंगे 2 आया, 4 में से 3, 4 7 में से 3 गए 4 आया, यहाँ 41 में से 4 37 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 47 में से 43 निकालेंगे भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 4 4 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन दूसरा आपका पहला सही है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दोनों का डिफरेंस करने पर 2 आ जाए, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं, संख्याओं का युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो होते हैं 27, जोड़ने पे 27 आएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको गिनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा समझाने के लिए। तो ये टोटल 27 आएंगे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है फर्टिलाइज्ड एग ऑफ द जियोगेट गॉट गेट इम्प्लेमेंट इन द, इसका मतलब होता है किसी निषेचित अंडा युग्मन में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो यूट्रस में हो जाता है। क्या हो जाता है? यूट्रस में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, निषेचित अंडा युग्मन में प्रत्यारोपित हो जाता है तो यूट्रस में होता है, अंडा कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अप्रैल 2017 में वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो कुल 16 पदक जीते थे 2017 में। अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पे? प्रेशर पर नहीं निर्भर करता, प्रेशर पर निर्भर नहीं करता। तो इसका फार्मूला क्या होता है? रो आर बराबर रो रो बराबर एल वाई ए। तो ये आपका मटेरियल, ये क्या है? मटेरियल है। रो क्या है? मटेरियल है। यह लंबाई है, ए क्षेत्रफल, आर प्रतिरोध है। तो प्रेशर पर नहीं होता है, एरिया भी दिया है, लेंथ दिया है, मटेरियल इस पे होता, किस पे नहीं होता? तो प्रेशर पर नहीं होता। फार्मूला आपका यही होता है, आर बराबर रो इंटू एल बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और यह चुने कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। सभी कारें जीप हैं, सभी जीप चार पहिया हैं। चार, तो इसमें देखें, यहां कह रहा है सभी कारें जीप हैं, सभी जो कार हैं जीप हैं, सभी जो कार हैं पूरा जीप है, सभी जीप चार पहिया हैं, सभी जीप चार पहिया हैं, चार पहिया है। तो इसमें क्या कह रहा है? सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया कारें हैं, गलत, क्योंकि हमको जीप से है, कुछ चार पहिया जीप हैं, तो कुछ भी हो सकती हैं और पूरा भी हो सकता है जीप में, तो
तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही है, दूसरा निष्कर्ष सही निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपर कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मान बताइए। तो यहां से लिख सकेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस 17। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोशेक को पलटेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 17। अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 17 बराबर 18। अब कह रहा है इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 324। वर्ग करने पर आ जाएगा 324। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, उन्हें एक साथ खोला जाता है लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचुत 2500 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहां से देखिएगा, 25,000 रुपये है, उसमें 30% पहले केस में खर्च कर देता है, फर्निशिंग फिनिशिंग में कर देता है, तो 30/100, 2 जीरो काट देंगे तो 25 दिया 7500, ये हो गया। फिर कह रहा है 20% अन्य में किसी में करता है, तो 25,000 × 20/100, 2 जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 00, 00575 12, टोटल कितना हो रहा है खर्च। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो आधा करेंगे तो इतना आ जाएगा कितना, अब 25,000 में से इतना अगर घटाएंगे तो उतने ही बचेगा, 5 0 5 हो जाएगा, 2 और 8 कितना बचा, आधा आधा खर्च किया और आधा बचा लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेन को ₹144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखें, हानि पे बेचा गया था, इसका मतलब ये आपका यूनिट मान लेते, क्रय मूल्य कितना है, इसका मतलब सीपी आपका दिया है 7 यूनिट और एसपी आपका है 6। 144 में बेचने पर, 144 में बेच रहा है, इसका मतलब जो सीपी दिया गया है वो कितना है, 144 के बराबर है, 6 यूनिट बराबर 144 है, 6 यूनिट बराबर 144 है, क्योंकि सीपी कास्ट सीलिंग प्राइस कितने बेचा, 7 रुपये में खरीदा था और 1% हानि हुआ, 1/7 पे हानि हुआ, तो कितना, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 6 यूनिट बराबर 144, इसको काटेंगे 1 यूनिट बराबर होता है 144/6, 6 से काटेंगे 6 2 12 6 4 24, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा कितना, 24। अब क्या कह रहा है, अब सीपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी कितना हो जाएगा,
सात से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से सीपी अगर निकालेंगे तो 7 × 24 तो कितना हो जाएगा, गुणा करने के बाद 168 आ गया। और एसपी कितना है, यदि इतने में बेचता, कितने में, 189 में बेचता तो लाभ कितना होता है। तो क्या करेंगे, अब 168 में उसने खरीदा था, 189 में बेचा, तो लाभ कितना हो जाएगा, 189 में से 168 घटा देंगे और बटे पूर्णांक लेंगे 168 × 100, ये क्या है, लाभ परसेंट आ जाएंगे। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/168 × 100, 8 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 12.5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपका 1/7 जो कितना 144 में बेचा था, इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो इसमें हम सीपी में गुणा कर देंगे 24 में, तो हो जाएगा सीपी आ जाएगा 168, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा 168। ईएसपी आपका दिया है 189, लाभ कितना हो जाएगा, 189 में से 168 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। अब किस पे लाभ हमको लेना है, 168 पे, और गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण, इसको सबको पता ही होगा। निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक घड़ी क्षैतिज में मेज पर टिकी हुई है, अपराह्न 3 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है, और 3:40 बजे की सुई किस ओर इंगित करेगी। बना लेते हैं, ये कह, ये व्यस्त डब्लू सॉरी नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कह रहा है एक घड़ी एक क्षैतिज मेज पर टिकी हुई है, अपराह्न 3 बजे है, एक क्लॉक आर फिक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एट 3 PM इन द मिनट हैंड इन द पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में है, द मिनट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड, क्या होगा, थ्री पी एम, कह रहा है दोनों जो सुई है, बड़ी और छोटी वाली सुई है, वो आपका 3 PM पर है, मतलब कहाँ पर है, नॉर्थ में है, कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में, तो हम नॉर्थ साइड भी बना लेते हैं इसको, मिटा देते क्या है, ये आपका सिंबल दिया है नॉर्थ, तो नॉर्थ में कह रहा है 3 PM बज रहे हैं, क्या है, 3 PM है नॉर्थ में, क्या है, 3 PM है, PM बज रहे हैं, कह रहा है अपराह्न 3 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है, किस ओर, दोनों उत्तर की ओर इशारा कर रही है, और 3:40 मिनट की सुई किस ओर इंगित करेगा, तो 40 कहाँ आ जाएगा, 3 यहां बज रहा है, तो 40 आपका कहाँ हो जाएगा, सिस्टी वेस्ट ऑफ साउथ, लगभग आपका आ जाएगा यहां पर, क्लॉकवाइज यहां घूमकर यहां आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा यहाँ 60, आपका कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट और साउथ, साउथ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है। निष्कर्ष दिया गया है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। तो यहाँ से देखिए, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं दिखती, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावट या आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है, निष्कर्ष एक और दो दोनों ही पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्युमिनियम करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्युमिनियम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां से देखेंगे, ये तो देखिए दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये गलत है। और ये यहाँ से अगर हम भाग देंगे ना, तो ये आपके ये बड़ा नहीं, बड़ा ये दिख रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको भाग देंगे तो बड़ा ये दिखेगा, क्योंकि 5 दशमलव कुछ आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही है। भाग देकर दशमलव में जितना आएगा उसका, और ये बराबर और इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, जनरली द वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज, इसका मतलब ये कह रहा था, विद्युत धनात्मक तक की संयोजकता जो होती है वो 1, 2 और 3 तक ही दे सकता है, चौथा नहीं दे सकता। इसका मतलब आपका बाहरी कक्षाओं में 1, 2, 3 तक ही दिया जाता है, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो रॉकेट लॉन्च करना को गति करता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। न्यूटन का तीसरा नियम जो चलता है, रॉकेट जो होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में दिए गए कार्य को परिभाषित किया गया है, किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहां से आपका आपका बी और सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी और सी सही है। विस्थापित वस्तु द्वारा भी हो सकता है, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा हो सकता है, किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं करता है। क्या कर रहा है, विस्थापित नहीं करता तो वो कार्य नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, क्या करेंगे, विस्थापित करवाना है और बल भी लगाना है, इसका मतलब ये आपका दोनों सही है, बी और सी। ऑप्शन नंबर आपका बी एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे, बी यहां बी सी डी, बी के बाद क्या आता है, बी सी मतलब एक जोड़ा गया है, फिर यहां से क्या है, डी ई एफ दो हो गया है, फिर आएंगे यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ई एच, क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। बी सी डी डी ई एफ जी एच एफ जी एच, 3 अक्षर बाद आ रहा है। यहाँ से वाई से उल्टे उल्टे में जाएंगे तो यस हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो यस हो जाएगा, और बीच में 19। यहाँ देखें, यस का जो वैल्यू है, Y 25 होता है, W 23 होता है, U 21 होता है, और यस कहा जाता है 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट, इसको हिंदी में जो लिखा है, ए टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल इज द कॉल। हिंदी में क्या होता है, एक या एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो
उसको कहते हैं विजिटेटिव, विजिटेटिव, विजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट, मार्च 2005 में शुक्रवार, इसको भी नहीं समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखें, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां सभी पंखुड़ियां क्या है, फूल है। और सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। कोई निष्कर्ष नहीं होगा, सभी सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। यहीं से आपको, यही पढ़ने पे ही पता चलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखेंगे कौन सा इसमें विकल्प चिन्हित करता है। तो देखिए ये चित्र जो दिख रहा है आपका, देखिए यहाँ बीच में एक किले नहीं है, यहाँ अलग है सबका डिफरेंस। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है। तो यूएस में हो जाता है, यूएसए में होता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है, यूएसए में होता है। नेक्स्ट, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर करते हैं कितने, 10 दिन में, और एक करता है 15 दिन में। तो अगले का निकालना है, तो ये दोनों मिलके आर आर ओ रोहन और रोहित दोनों मिलके कर रहे हैं कितना। रोहन को मान लेते हैं, रोहन को मान लेते हैं ए, और रोहित को मान लेते हैं बी। इस तरह से मान गए, तो ए प्लस बी बराबर आपका दिया गया है 1/10। अब रोहन 15 दिन में करता है, तो रोहन को माने हैं क्या, रोहन को माने ए, तो 1/15 + b 1/10। यहाँ b बराबर कर देंगे 1/10 - 1/15, घटा दें 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 × 15 इस तरह से हो जाएगा, इसमें 5/10 × 15, 5 × 15 तो 1/30। तो कह रहा है रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, एक हिस्सा करता है 1 दिन में, 30 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा बटे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन पहल की शुरुआत की थी। तो ये की थी महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो छोड़ो टू स्वराज से स्वराज पहल की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, यहां से कोई बल एक केजी पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी पर वर्क पूरा कार्य बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/mv, सॉरी mv² माइनस 1/2 mv² यहां से क्या करेंगे, 1/2 द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, तो हम 1 kg लिख लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड है तो पहले बढ़ रहा है 8, क्या लिखेंगे, बढ़कर इतना हो जाता, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/2 × 1 और 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 1/2 8 × 64 हो जाएगा, माइनस 1/2 4 × 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो
तो यहाँ से हो जाएगा 32, और इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 32 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 24 जूल। तो कार्य बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एमवी स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे तो क्या करता है, 1 किलोग्राम का पिंड है वो 4 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे काटे, आपका वैल्यू आ जाएगा 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, मतलब शतकीय वर्ष किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए उत्तर आकृति का कौन सा चित्र, प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। यहां से देखिए इन दोनों को अगर मेल कराएंगे तो देखिए इसमें से है नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज ये आपका इस टाइप में नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए ये बन रहा है और ये भी बन रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1, 2, -4, -3 और 4, 1 हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखें इसको सॉल्व करते हैं, ये त्रिभुज का फार्मूला होता है, ए त्रिभुज बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड लिखें x1 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये मॉड में रहेगा। अब इसी को रख दे, ये जो आपका वैल्यू दिया है ये x1 है और ये y2 है, y1, और ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है, वो y3 है। अब इसी पे रख देंगे 1/2, यहाँ पर रखेंगे तो -1 सॉरी 1 होगा, x1 का वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू माइनस कितना है 2, y1 की वैल्यू कितना है 2 है, फिर 1 आपको ऐसे रहेगा। फिर यहाँ देखें फिर नीचे है x2 की वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 लिख लेंगे। फिर यहाँ से y2 की वैल्यू कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। फिर नीचे देखें x3 की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखेंगे और 1 और 1 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से देखिएगा इसको निकालने का तरीका, 1/2 ऐसे बनाइए। अब हम पहले इसको लेंगे, क्या करेंगे, एक को लेंगे, यहां से एक ले लेंगे तो यहाँ एक लिखेंगे, फिर कोष्टक में करने ये लाइनें कट जाएगी, ये पूरी लाइनें कटेगी, डॉट डॉट में कर देंगे, ये कट जाएंगी और ये लाइनें कट जाएंगी, तो ये लाइन कट जाएंगी कितना, इसमें क्रॉस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 में से एक निकालेंगे गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा इस तरह से। फिर अब इसको लेंगे, 2 को लेंगे तो 2 यहाँ उतार दिया, अब बीच में माइनस निशान लगाएंगे, फिर इसका देखिए ये बीच वाला काटेंगे और ये काट देंगे। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, अब 1 वाला लेंगे तो 1 ले लीजिए, फिर उसके बाद में इसको काट दीजिए और ये वाली लाइनें काट देंगे, तो 4 -4 हो जाएगा, और इसका 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में पहले से था इसीलिए 12 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहां से देखिए सॉल्व करेंगे 3 1 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा माइनस, और ये 4 8 2 16 हो जाएगा, +16 हो गया, और यहां से इसको काटेंगे 3 घटा देंगे तो +8 हो जाएगा। फिर यहां से जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 20, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 10, तो बराबर 10 वर्ग इकाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सही। इस तरह का ये फार्मूला लगे, मॉड वाले फार्मूले से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10^24 किलोग्राम होता है, सब पता है इसको याद कर लीजिएगा, 6 × 10^24 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, तो ये है कनाडा, ऑप्शन नंबर 1 कितना है,
2,20,000, 2,02,080 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे विकल्प में दिए गए कौन सी पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। तो यहां देखें सबसे उल्टा सीधा है आपका, सीधे सीधे आपको यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज होती है। तो किस में होती है, सॉलिड में होती है। कह रहा है निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की अपेक्षाकृत सबसे तेज होती है, तो सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। यहां से देखिए एक चित्र बनाइए, अब इसको नॉर्थ बोलिए, इसको साउथ बोलिए, इसको ईस्ट बोलिए और इसको वेस्ट बोलिए। कह रहा है दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, जो दक्षिण है, कह रहा है जो दक्षिण है, ये दक्षिण है, वो दक्षिण और पश्चिम बन जाता है। इसका मतलब ये बन जाता है यहाँ, ये बन जाता है यहाँ पर। तो कह रहा है उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर फिर इसके विपरीत हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, या उत्तर और पूर्व बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, यहां से मासा और लासा, इसका मासा निकालना है। मासा निकालेंगे तो ऊपर का मासा कितना है, 2, 8, 10 और 32। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ दो कॉमन मिलेगा और कटेगा ही नहीं। इसका मासा निकालेंगे तो कितना, सिर्फ दो होगा, दो हो जाएगा। नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 81 हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा आ जाएगा। ऊपर का मासा निकालते हैं HCF और नीचे का LCM निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीजन सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो साई प्रती प्रणी प्रणीत। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है, तो ये है साई प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जाता है श्रम पुरस्कार, श्रम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो यक्ष का मान बताइए। तो यहाँ पर यक्ष की वैल्यू निकालना है, यक्ष की वैल्यू तो 4461, यह है 11 से डिवाइड होना। इसका मतलब सम संख्या एक साथ ले लो, बीच का छोड़कर ऐसे ऐसे ले लो और इसका एक साथ ले लो, तो यक्ष प्लस 4 प्लस 6 और इसको घटा दीजिए, 4 प्लस 6, क्या गलती किया, यक्ष लिखा, 4 लिखा और ये 1 होगा, यहाँ पर 1, सॉरी 1 होगा और 6 4। अब यहां से देखिए यक्ष प्लस 5 और 6 4 10, इसमें इसका मतलब इसको घटाने पे 10 आना, यहाँ पर क्या मान रखते हैं कि दोनों का 0 हो जाए, तो 5 अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0। इस तरह से आपको तो 11 से वो पूरा पूरा विभाजित तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 5 रखना है। क्या करेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ लेंगे एक साथ, और इसको एक साथ में जोड़ देंगे और घटाएंगे, घटाने के बाद में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, घटाने के बाद में देखें कितना कम हो रहा है उतना जोड़ देंगे वो मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बैन आरेख चुने। अब यहां से देखो घोड़ा बंदर बाघ सब अलग अलग है, सब अलग, घोड़ा अलग है, बंदर अलग है, बाघ अलग है,
ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? तो ये बच्चों के अधिकारों का उत्सव, बच्चों के अधिकारों का उत्सव था। हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? बच्चों के अधिकारों का उत्सव था। ऑप्शन नंबर 14 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या इतनी है। पूछ रहा है कंपनी एल एम एन द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए? तो यहाँ देखिए एल एम के कितना 30% दिया है, 30/100 करिए और गुणे 12 0 1 2 3 4, 4 0 लगाए, 2 0 इसको काटिए, 2 0 इसको काटिए, तो 0 0 और 4 1 0 और लगाएंगे, 4 3 12 करिए, 2 3 2 6 7 और 3। ऑप्शन नंबर आपका 14 सही है। तो जिसका हमको निकालना है उसका ऐसे परसेंट 30/100 लिखेंगे, उसमें साथ में 12,40,000 का गुणा कर लेंगे, नेक्स्ट और काट देंगे जो कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या है? तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो सी के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, एक हो गया। फिर डी के बाद में ई एफ आ रहा है, तो 2 जोड़ा गया है। फिर उसके बाद में 3 जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ा गया, फिर आ गया ई, क्या आ जाएगा यम। यहाँ फिर 4 जोड़ा, फिर आगे यम। सी के बाद डी के बाद 2 जोड़ा गया, एफ आई, एफ के बाद 3 जोड़ा गया, आई आई के बाद 4 जोड़ा गया, तो यम आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यम हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन में डॉट डॉट विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। तो ये कौन, ये 112, 112 नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे क्या करना, इसमें देखिए उल्टा हो जा रहा है, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा, ये समान दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सी गलत है। नेक्स्ट, भिन्न कौन सा है, ये देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने के धनराज में 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर हो? तो यहां से आप लिखें, देखिए मूलधन दिया गया है कितना, 1,60,000, टाइम दिया गया है कितना, 2 वर्ष, आर बराबर दिया है 10%। तो यहां आप क्या कर रहे हैं, क्या दिया रहा है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, 4 वर्ष 2 वर्ष दिया है, तो 6 4 6 माह हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 10% है। तो ये हो जाएगा 10/2, तो हो जाएगा 5%। अब फार्मूले पे रख देंगे, सी आई बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर में टी माइनस पी, मान रखिए, तो यह हो जाएगा 16,000, 1,60,000, 1 प्लस R की वैल्यू 5/100 और पावर में टी कितना है, 4 हो जाएगा, माइनस 1,60,000 रख लेंगे, यहाँ रखेंगे तो इसको काटेंगे, तो 2 बार कितना 20 हो जाएगा नीचे,
160,000 को ऐसे रहने देंगे, ये इसमें 21/20 हो जाएगा। चार बार लिखेंगे 21/20, 21/20 और 21/20। अब यहाँ से देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा, 4 जीरो कट जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी कट जाएगा, माइनस 1,60,000 ये हो जाएगा। 21 में पूरा गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद में आ जाएगा 19,44,81, और 1,60,000 में से घटा देंगे तो घटाने के बाद में आ जाएगा 3,44,81। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्या करना है इसमें, टाइम को अर्धवार्षिक कर रहा है तो 2 साल का 4 छमाही में हो जाएगा, और ये 2 वर्ष लिखा है आपका, 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में बताते हैं, ये विषय दिया है 2016 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था, तो उसका थीम पूछ रहा क्या है। तो फीमेल इम्प्योरमेंट है, ऑप्शन नंबर आपका सही सही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के सर्वर के लिए 2000 संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, तो यह किया था कंपनी शासन। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था, तो कंपनी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को फैक्टर निकालना, को फैक्टर कितना होता है, 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 2 को फैक्टर नंबर, तो 1 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ से इसको निकालने का तरीका है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कह रहा है 1 जनवरी को क्या था, मंडे था, और 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, हम 2018 से शुरू करेंगे, नीचे से लिख लेता हूँ पूरा, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, यह है। अब ये कह रहा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मंडे है, MONDAY क्या है, मंडे। अब यहीं से हमको शुरू करना है। देखिए लीप वर्ष को क्या करेंगे, हम लीप वर्ष को मानेंगे 2 और सिंपल वाले को मानते 1, तो हम 10 से 11 पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 11 से 12 आएंगे तब भी 1 होगा। अब 12 से 13 जाएंगे तो 2 लिखेंगे, 13 से 14 पे आएंगे 2 लिखें 1 लिखेंगे, 14 से 15 पे आएंगे 1 लिखेंगे, 15 से 16 पे आएंगे 1 लिखेंगे, फिर 16 से फिर 18 पे आएंगे तो 2 लिखेंगे, और फिर आपका ऑलरेडी 18 पे है तो 1 हो जाएगा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो जाएंगे, 10, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। तो 3 जो बचा हुआ है, अब ऊपर जाएंगे, हमको ऊपर ही पूछा हुआ है हमको ये 2010 में क्या होगा, तो क्या हुआ, मंडे था, मंडे के बाद में शनिवार, सॉरी रविवार, रविवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और हो जाएगा शुक्रवार। तो ये आपका यहां हो जाएगा 1 जनवरी को,
शुक्रवार हो जाएगा, मतलब फ्राइडे आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मंडे के बाद में तीन ऊपर गिनेंगे, मंडे के ऊपर रविवार, शनिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार आपका आ जाएगा। क्या है, लीप वर्ष को दो लिखते हैं और सिंपल जो ईयर होता है उसको एक मान के लिखते हैं, सभी को जोड़ेंगे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य सत्यवर्त कादियान, कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है कुश्ती, सत्यवर्त, सॉरी सत्यवर्त कादियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी सी एक टैंक से जुड़े तीन वाल्व हैं, ए बी मिलकर 6 घंटे में, बी सी मिलकर 10 घंटे में और ए सी मिलकर 7 से 1/2 घंटे में भरते हैं, तो ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? पहले हम लिख लेंगे, देखिए सिंपल बनाते हैं, पहले ए बी सी आपका टोटल दिया है, ए बी और सी, शॉर्टकट में सॉल्व करता हूं क्योंकि ए 2 बार आता है, बी भी 2 बार आए, सी भी 2 बार आएगा, बराबर हम 1/6 प्लस 1/10 और प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 2 = 14, 1 = 15, तो 2/15 हो जाएगा। ये सिंपल कर दिया हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 2 को नीचे एलसीएम ले लेंगे तो टोटल आ जाएगा 5 + 3 + 4 और नीचे जो एलसीएम आ जाएगा 30 × 2, एलसीएम 30 ले लेंगे, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, एलसीएम 30 लेंगे तो 30 × 6 = 25, 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 29 और 2 पहले से है तो 2 × 2 = 4 और 2 का जो यहाँ गुणा हुआ था, जो यहाँ 2 का गुणा होता है यहाँ नीचे कर लिया, अब इसको काट देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/5। अब यहाँ से देखिए ए की हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ ए प्लस 1/10 बराबर 1/5, ए बराबर कर सकते हैं 1/5 - 1/10, ए बराबर इसको एलसीएम ले लेंगे तो 10 में से 5 घटा देंगे और 50 नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/50, इसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो एक हिस्सा करेगा 1/10 ए और पूरा करेगा तो 10 घंटे में वो पूरा समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखें, इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कितना, सी की जो वैल्यू दिया है, सी टैंजेंट पे क्या है, बी सी, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये आपका दिया है बी सी डी, बी सी डी इसका मतलब ये कोण आपका दे रखा है 72, कितना दे रखा है, 72 अंश दे रखा है, तो पूछ रहा है कि बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू बताइए, हमको ये वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो यहां से देखें अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो जो कोण ये है वही कोण आपका ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, ये विपरीत दिशा में है, इसका मतलब ये क्या है, विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका 72 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए पांच के बाद 7 आ रहा है, 5 के बाद कितना, 7 आ रहा है तो 2 जोड़ा है, फिर 7 4 जोड़ा गया है, फिर उस 17 में कितना, 6 जोड़ा है और 6 के बाद 8 जोड़ेगा, 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और फिर ऊपर में देखेंगे आई से बाद में 1 जोड़ा गया है, आई जे जे के एल 2 एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ एल के बाद
यम यन ओ तीन, फिर उसके बाद में चार, ओ के बाद में क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, आपका कितना हो जाएगा, यस। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट, किसी क्षैतिज पावर लाइन के लिए एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसे पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम प्रभावित होती है। तो ये वामावर्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही। इसको सॉल्व कर देता हूं, लिखा 700, हिंदी में बोलता है 720 रुपए का ए बी सी डी ई के बीच विभाजित किया गया था, उनके द्वारा प्राप्त राशि अवरोही क्रम में अंकगणितीय रूप में थी। ई ई प्राप्त रुपए 40 ए से अधिक है, ई जो है प्राप्त करता है 40 ए से अधिक है, तो बी ने कितना प्राप्त किया। यहां से टोटल क्या है, ए बी सी डी ई, टोटल मिलाकर रुपए कितना है, 720 रुपया दिया गया है। फिर इसमें कह रहा है ई जो है, ई प्राप्त 40 रुपए ए से अधिक है, ए से अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब एक क्या होता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एपी वाला फार्मूला लगाएंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, कितना, एक दो तीन चार पांच हो गया, सभी को जोड़ देंगे। अब पहले हम यहां से क्या करेंगे, डी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, क्या निकालें, ई की वैल्यू कितना है, देखिए ए बी सी डी ई, ई कितना है, ई है ए प्लस फोर डी, और ए आपका ए है प्लस 40। यहां से देखिए ए से ए कट गया, यहां से फोर डी बराबर आ जाएगा 40, तो डी बराबर आपका 10 आ गया, क्या आ गया, 10 आ गया। अब जो आपका समीकरण एपी सीरीज जो होता है, समांतर श्रेणी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी बराबर आपका 720 है। अब यहाँ सभी चीजें मिल चुकी हैं, ए बराबर 10 मिल चुका है, अब ए भी मिल जाएगा, तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, तो 5 ए आ जाएगा, और डी भी कितना आ जाएगा, 10 डी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 डी हो जाएगा 720, 5 ए बराबर प्लस 10 गुणे 10, 100 हो जाएगा, 720, 5 ए बराबर आपका 100 घटा देंगे 720 में से, तो ये हो जाएगा 620। अब ए बराबर इसको काटेंगे, 5 से काटिए, 5 के नियम, 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ए बराबर कितना आ गया, 124 आ गया। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू कितना है आपका, ये है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी डी ई, और इस तरह से दिया, तो ये आपका कितना है, बी ए इंटू ए प्लस डी है, तो ए कितना है 124, और डी आपका दिया कितना निकाले हैं, डी 10, तो ये बराबर 134, 134 ऑप्शन नंबर आपका ए दिया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आला हाफिज़।